और अभी मैं आह्वान करूंगा माननीय महेंद्र भाई को कि हमें मार्गदर्शन दे। नमस्कार जगदीश सबको। यहाँ पर हम जन कल्याणकारी योजना प्रसार और प्रसार मुंबई के प्रदेश कार्यालय में आए हुए हैं। मुंबई प्रदेश कार्यालय वो हमारी स्कूल प्राग पैदा करती है, कॉलेज प्योरीफाइड प्राग पैदा करती है और बाकी के इंस्टीट्यूट मैनेजर को पैदा करती है। कोई भी आदमी बिजनेसमैन को रिश्तेदारी पैदा नहीं करती है, इसलिए हमारे कंट्री में अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है क्योंकि सभी जॉब चाहिए, जॉब देने वाला तो पैदा ही नहीं करते। इस कार्यालय में आए हुए है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रसार और प्रसार का जो अभियान यहाँ पर हुआ है उनके राष्ट्रीय मार्गदर्शक और जो ये योजना चलाने की जो जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इनको डायरेक्टली दी है और आज हमारा भाग्य यहाँ पर ऐसा है कि वो यहाँ पर बीच में पधारे हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आप इस योजना को लेके किस तरह से लोगों तक पहुँचेंगे? हमने लोकसभा इलेक्शंस के लिए इससे मतलब शुरुआत तो पिछले करीबन एक साल से हुई है, पर इसका सबसे बड़ा काम जो हुआ है लोकसभा इलेक्शन में हुआ है। पूरे इंडिया में, समुचित भारत में हर घर तक ये योजना प्रचार प्रसार करने का काम जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। पूरे अगर आप देखेंगे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और मुंबई महाराष्ट्र में सारे कार्यकर्ताओं ने योजनाओं के जरिए एक जरिया बना है जनता के बीच का। तो मोदी जी को आज जो आज हमारी सीटें आई है या बीजेपी की जो ग्रैंड विक्ट्री हुई है या जो ये हमें विजय हासिल हुआ है, इसके लिए बहुत सारा कारण ये है कि जनता को इन योजनाओं से जो फायदे मिले हैं और उन तक पहुंचाने के लिए हम फैसिलिटेटर बने हैं। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि उनके लिए आप जाने का रास्ता जो बनाए हैं, अभी जो सबसे गरीब से गरीब जो लोग हैं इन तक आप किस तरह से पहुंचेंगे, ऐसा आप कुछ रास्ता तैयार किया है आपने? इसका पूरा रोड मैप बना है कि क्योंकि क्या है, ये स्टेट लेवल से लेके जिला लेवल, पंचायत लेवल, क्योंकि जब पंचायत और जैसे गाँव है तो गाँव में भी म्यूनिसिपल होता है ABC, तो गाँव में जैसे सरपंच से लेके हम उन तक कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी टीमें बन रही है। पूरे भारत में ऐसी टीमें बनाई जा चुकी है, तो उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि काम सिर्फ दिल्ली में ना रह के स्टेट के जरिए जिलों तक पहुंच रहा है, गांवों तक पहुंच रहा है और पंचायत से पूरी जनता तक पहुंच रहा है। यहाँ पर देखिए, मैडम ने कहा है कि ये ग्राम से लेके शहर तक पूरी योजनाएं निचले से निचला जो जिसे जरूरत है उस तक पहुँचाने का काम ये पूरी टीम करेगी। यहाँ पर हम मैं नागेश तांबेडकर VRNews.in से। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, इस योजना के जो यहाँ के जो मुंबई के प्रभारी अध्यक्ष है, हम नीलू जी से, डॉक्टर नीलू जी से बात करेंगे। नीलू जी, आप ये जो कमान संभाले किस तरह से संभालेगी, थोड़ा विस्तृत बताएं। हमने आज जो ये कमेटीज बनाई हैं, इसमें हम 6 लोकसभा है, 6 लोकसभा में हमारे अध्यक्ष होंगे, हमारे सचिव होंगे, महामंत्री होंगे और हमारी टीम होगी। डॉक्टर्स जो आयुष्मान भारत है उसके लिए हमारी हर लोकसभा वाइज और विधानसभा वाइज डॉक्टर्स की टीम बनेगी, और जैसे यंग स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स की टीम बनेगी, यूथ की टीम बनेगी, और जो स्कीम्स है जिस एज में, जैसे वुमेन की स्कीम है तो वुमेन के लिए, स्टूडेंट्स की स्कीम है तो स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ की स्कीम है तो माइनॉरिटीज़ के लिए, इस प्रकार से हम सब सेग्रीगेट अलग अलग करके, शर्मिला जी का गाइडेंस है, महेंद्र तुरखिया जी हमारे जो ट्रेजरर है उनका गाइडेंस है, और जो राजपुरोहित जी जो आज हमारे ज्वाइन हुए MLA, इन सब का गाइडेंस लेके हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रास रूट तक काम करेंगे और सब MLAs और MPs के मुंबई को ज्वाइन कराएंगे, हम हमारे साथ इनको शामिल करवाएंगे और ये काम करवाएंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने विस्तृत में बताया है कि ये कल्याणकारी योजना निचले लोगों तक किस तरह से पहुंचेगी, जिसको जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंचने का कार्य इन्होंने हाथ में लिया है। हम उनको यहां पर शुभेच्छा देते हुए आगे के काम के लिए शुभेच्छा देते हैं इनको। यहाँ पर देखिए, राजपुरोहित जी आए हुए हैं, जो मुंबई के सबसे बड़े और सबसे कर्तव्यगार आमदार माना जाता है यहाँ पर, और उनसे हम बात करेंगे कि ये जन कल्याण, पंतप्रधान जन कल्याण जो योजना है, ये योजना जन जन तक पहुँचाने का कार्य इनके हाथ में आया हुआ है, उनको प्रमुख मार्गदर्शक करके आज नियुक्ति किया गया है। हम राज जी से पूछेंगे, राज जी, आप ये जो जन कल्याणकारी योजना है किस तरह से जन जन तक पहुंचाएं? प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना
कि आज यहाँ पर शर्मिला जी ओसवाल यहाँ पर आए उनके मार्गदर्शन के लिए कि आगे कैसे करना है, क्या करना है और कब कब क्या क्या करना है, और जो नई सरकार बनी है उसके अंतर्गत नई जो जिम्मेदारियाँ मिलने वाली है उन जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे हो और नए कार्यकर्ता कैसे जुड़े हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो है एक पुण्य का काम है, एक जरूरत मन तक उसकी आवश्यकताओं को पहुंचाने का काम है। प्रधानमंत्री जो योजना बनाएंगे वो आपके माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, इन कार्यकर्ता जो आप देख रहे चारों तरफ खड़े हैं, ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता तक पहुँचेगी। एक लिंक का काम करने वाले हैं, एक सेतु का काम करने वाले हैं, एक मार्गदर्शक का काम करने वाले हैं, और इनके माध्यम से लोगों के जीवन में नया प्रकाश उजाला होगा, जरूरतमंद को सहयोग मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो नई कार्यकारिणी और नए पदाधिकारियों की जो नियुक्ति हुई है वो बहुत उत्साह से काम करने के मूड में है, और फिर से 130 योजना तो पहले की है जो तो समाज के सभी वर्गों तक पहुँच रही है। अभी प्रधानमंत्री ने दूसरी बार कमान संभाली है तो बड़े उत्साह के साथ है, अमित शाह जी हैं, दूसरी जिम्मेदारी लिए, तो नई योजना आएगी, उन योजना तक लोगों तक पहुंचाना और हर झोपड़ी में उजाला करना, हर घर में नई कल्याणकारी योजना पहुंचाना, हर बीमार को इलाज करवाना, हर जरूरतमंद को सहायता पहुंचाना, हर विद्यार्थी को पढ़ाई में उसको मदद कैसे हो, हर बेरोजगार युवाओं को उसके हाथों को काम कैसे मिले, जैसे बड़े बड़े काम, किसानों को मदद कैसे मिले, वो ये योजना के माध्यम से काम हो रहा है। मुझे जो आज पहली बार जुड़ने के बाद जो खुशी हुई है ना, वो है कार्यकर्ताओं का उत्साह, वो है ओसवाल मैडम का जज्बा और बाकी जो लोग हैं उनका जज्बा, उसका उत्साह, काम करने की जिद, वो मुझे लगता है कि मोदी जी से मिल रही है, तो आगे आने वाले समय में इसके माध्यम से बहुत कुछ काम होगा। राज जी ने यहाँ पर कहा है, देखिए जो योजनाएं आई है ये योजना बड़े बड़े जिनको ज़रूरत है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसान से लेके विद्यार्थियों तक सारी यहाँ पर हम अमरुद जी से बात करेंगे जो इस योजना के महामंत्री यानी सेक्रेटरी बने हुए हैं, इनसे बात करेंगे। अमरुद जी, आप किस तरह से इस योजना को नीचे तक लेंगे? प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना में मुझे जिम्मा दिया गया है मुंबई में संगठन को मजबूत कर घर घर तक योजनाओं के लाभ पहुंचवाना। मेरा प्रथम कार्य रहेगा अगले एक दो महीने में पूरे मुंबई में इसकी अलग अलग जगह पर समितियां बना के घर घर तक कैसे पहुंचा जाए, उचित व्यक्तियों को ढूंढ कर उन्हें इस योजना से कैसे जोड़ा जाए, उस कार्य पर मैं सर्वप्रथम काम करूंगा और सभी कार्यकर्ता योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए अमृत जी ने कहा है कि हर एक कार्यकर्ता घर घर तक योजना पहुँचाने का कार्य करेंगे। हम यहाँ पर महिला प्रमुख जो है प्रेमलता नरवानी जी, उनसे बात करेंगे कि ये जो प्रमुख बनी हुई है ये किस तरह से आप घर घर तक ये योजना दे जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हम सभी महिलाएं यदि एकजुट होकर इस काम को अग्रसर करें और इस काम तक पहुंचे तो हम प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल होंगे, और इस कार्य को करने के लिए हमेशा एकजुट होकर सभी को पहुंचाएंगे और सभी की आवश्यकता के अनुसार हम उनको ये प्रोवाइड कराएंगे। यदि उनको शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत है, यदि उनको गैस की जरूरत है, क्या यदि उनको आयुष्मान भारत में कोई हेल्थ संबंधी कोई सहायता चाहिए तो वो हमें पता होगा, जहाँ तक हम उनको उनके पास जाकर हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होंगे और मेक इन इंडिया में भाग लेंगे और हमारे भारत को फिर से सोना की चिड़िया बनाने में सफल होंगे। यहाँ पर देखिए प्रेमलता जी ने बताया है कि इंडिया जो पहले जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, उसी तरह से पुनः एक बार भारत को सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी प्रधानमंत्री योजना के जरिए। मुंबई के प्रवक्ता मिश्रा जी से बात करेंगे। मिश्रा जी, आपने ये जो जन कल्याणकारी योजना है इसमें आपका प्रवक्ता सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम आपने लिया हुआ है, किस तरह से आप पूरा करेंगे? हाँ, ये काम करना
जानकारी है वो लोगों को देंगे और हम समाज के हर वर्ग के पास ले जाएंगे और उस योजना का लाभ उनको सीधे में हर यहाँ देखिए अब मिश्रा जी ने कहा है कि यहाँ पर हर वो कोशिश जो जहाँ निचले से निचला जिसको जो जरूरतमंद है उस वहाँ तक पहुँचने का कार्य यहाँ पर करने का इन्होंने ठान लिए और भारत को मोदी जी के साथ में मिलकर नई उमंग नया बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे ऐसा ही इन्होंने यहाँ पर